मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ी इंडिया गठबंधन की दो अहम पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दो दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एमपी की 230 सीटों में से कांग्रेस से हमने 6 सीटें मांगी थी। ये वो सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अखिलेश ने ये भी कहा था कि कमलनाथ जी खुद हमारे प्रदेश के नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन अचानक से उन्होंने उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जिन पर हमारी दावेदारी मजबूत थी। अखिलेश ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर गठबंधन केंद्र के लिए था तो पहले बताना चाहिए था। अब जैसा कांग्रेस ने एमपी में किया है वैसा ही उनके साथ यूपी में भी किया जाएगा। अखिलेश के बयान पर जब कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे कन्नी काटते हुए कहा कि छोड़ो ये अखिलेश वखिलेश। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश को लेकर दिए गए कमलनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने जो कहा उसने कहीं न कहीं इस तल्खी को और बढ़ाने का काम किया। रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को छुटमैया नेता बता दिया। अब कांग्रेस के तमाम नेता जो है अनर्गल जो समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, कमलनाथ ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए। दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटवाइया नेता है ये। लेकिन अखिलेश यादव ने कमलनाथ के बयान पर काफी सदी हुई प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि कमलनाथ जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। जिनके नाम में ही कमल हो वो अखिलेश ही कहेंगे, अखिलेश तो नहीं कहेंगे। पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश अखिलेश क्या है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर 28 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अहम हिस्सा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान ही सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां आपस में लड़ती दिख रही हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन के दो सबसे बड़े दलों के बीच विधानसभा चुनाव में ही तलवारें तन गई हैं। अब लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन कैसे एकजुट रहता है और सीटों को लेकर क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ नेशन।